पर मैं कशिश हूँ, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। शिवसेना नेता के रूप में खुद ही पहचान बताने वाली मराठी अभिनेत्री दीपाली सैयद ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मतभेदों को सुलझाने के लिए मिलने पर सहमत हो गए। उन्होंने एक ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ठाकरे और शिंदे के बीच आगामी बैठक में मध्यस्थता कर रहे हैं। रविवार को शिवसेना के पदाधिकारी ने कहा कि सैयद के पास पार्टी में कोई पद नहीं है। उन्होंने 2019 में शिवसेना के टिकट पर ठाणे जिला के मुंब्रा कलवा निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2014 में वे आम आदमी पार्टी के टिकट पर अहमदनगर जिले से लड़ी थी लेकिन हार गई। तो वही अब आपको बता दें कि अपने ट्वीट में दोनों नेताओं के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए एक्टर ने लिखा है कि मुझे जानकर खुशी हुई कि अगले 2 दिनों में शिव सैनिकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे मुलाकात होगी। शिंदे ने सैनिकों की भावनाओं को समझा और ठाकरे ने उन्हें अपने परिवार के मुखिया की भूमिका में बड़े दिल से स्वीकार किया। कुछ भाजपा नेता इस बैठक के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। उनके ट्विटर पोस्ट से उल्लेख है कि वह शिवसेना की नेता है। सैयद के ट्वीट के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे इस तरह की किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, मैं पार्टी में बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। राउत जो दिल्ली में है विनाश ने शिंदे के नेतृत्व वाले सरकार को शिंदे और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 15 दिन बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने को लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है क्योंकि संवैधानिक समस्या है। शिवसेना के 40 विधायक अयोग्यता के खतरे का सामना कर रहे हैं और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। अगर वे शपथ लेते हैं तो मंत्री के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो मुलाकात के लिए यहाँ लगता है कि दोनों नेता तैयार हैं। मुलाकात के दौरान देखना होगा कि क्या सच में साथ आते हैं और क्या संगीन मामलों पर गहराई से फैसले लिए जाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।